बात नहीं बढ़ाई, अगली दफ़ा बढ़ा देंगे। 15 दिन का टाइम होता है जी, 15 दिन के बाद बढ़ाते हैं, उनका को पता चलता है। एक दिन सो के उठते हैं, अगले दिन पता होता है कि जी पेट्रोल बढ़ गया है। कि ये इजाफा अगर अभी उन्होंने मुस्तरद किया है, कुछ अरसे बाद दोबारा हो जाएगा, ये चलता आ रहा है। बेसिकली मैं ख़ुद भी PTI का वोटर हूँ। सर ये वही वज़ीर आज़म है कि जो कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चोर है। 100 रुपये का तो मैंने जानबूझ के अपने खर्चे बढ़ाए हैं ना, इसमें वज़ीर आज़म का क्या कसूर है? बिल्कुल सही किया उनका फैसला, गरीब आवाम के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक है, आवाम को समझना चाहिए। तो ये फैसला बहुत अच्छा फैसला किया है उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो फैसला लिया है वो अच्छा है। मज़ीद लोग इतनी महंगाई नहीं बर्दाश्त करते। इस बात नहीं बढ़ाई, अगली दफ़ा बढ़ा देंगे। 15 दिन का टाइम होता है जी, 15 दिन के बाद बढ़ाते हैं, उनका को पता चलता है। एक दिन सो के उठते हैं, अगले दिन पता होता है कि जी पेट्रोल बढ़ गया। अब इस बार नहीं बढ़ाई, अगली दफ़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि इनका तो काम है चीज़ें बढ़ाना, दिन ब दिन महंगाई करना, दिन ब दिन गरीबों को उनका जीना हराम करना। इसके अलावा उनका तो काम नहीं है, और कोई काम होता तो हम बताते कि हाँ यार कोई अच्छा काम किया है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आज उन्होंने मुस्तरद कर दी है, कल को वो कर लेंगे, कहेंगे नहीं ओहो नहीं ये हो गया, यू टर्न ले लेंगे, जिस तरह हसबे मामूल वो लेते हैं, और तो कोई मसला नहीं है। कि ये इजाफा अगर अभी उन्होंने मुस्तरद किया है, कुछ अरसे बाद दोबारा हो जाएगा, ये चलता आ रहा है। बेसिकली मैं ख़ुद भी PTI का वोटर हूँ, लेकिन इस हवाले से हम सब मायूसी का शिकार हैं कि अगर एक दफ़ा इजाफा मुस्तरद कर दिया, इसका हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब तब्दीली आ गई है, ये हो गया वो हो गया। अभी एक महीने बाद इतला मिलेगी कि फिर इजाफा हो गया, तो ये चलता रहेगा। सर ये वही वज़ीर आज़म है कि जो कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चोर है। तो मैं तो ये देखता हूँ, मैंने भी इमरान खान को वोट दिया जिस तरह और नौजवान जो नस्ल है जिसने वोट दिया था, और पेट्रोल की कीमत उस वक्त 100 रुपये थी, और अभी जो है पेट्रोल की कीमत क्या है। और जो एक गरीब आदमी जब वो पेट्रोल भरता है तो उसे पता होता है कि पहले 500 में उसका पेट्रोल का पूरा दिन निकल जाया था, लेकिन 1000 में भी बहुत मुश्किल होता है कि पेट्रोल को किस तरह से कवर किया जाए। और भी मज़ीद चीज़ें हैं, और भी टैक्स लग रहे हैं। तो अगर उन्होंने अभी मुस्तरद किया है और फिर उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देंगे, उनको चाहिए कि वो सब्सिडी दें, गरीब आवाम को सब्सिडी दें, क्योंकि उनका मुश्किल हो रहा है, उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस पर उनको होना चाहिए, और आपके प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ होनी चाहिए कि आप पेट्रोल कीमतों में कमी पेशी करें। 100 रुपये का तो मैंने जानबूझ के अपने खर्चे बढ़ाए हैं ना, इसमें वज़ीर आज़म का क्या कसूर है? 70 साल से चोर खा रहे थे, अब वो आ रहा, टाइम लगेगा मुल्क को ठीक करते हुए। ठीक है जी, इमरान खान जिंदाबाद। बिल्कुल सही किया उनका फैसला, गरीब आवाम के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक है, आवाम को समझना चाहिए कि मुल्क आगे कोविड की पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें इस तरह की महंगाई तो हो सकती है ना, तो इसलिए बिल्कुल ठीक फैसला है। जो 148 पे भी है, इतना बुरा तो नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये फैसला बहुत अच्छा फैसला किया है उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो फैसला लिया है वो अच्छा है, क्योंकि सब लोग परेशान थे, बेरोज़गारी है, काम भी नहीं है, सब कुछ बिगड़े हुए है। तो इमरान खान साहब ने जो फैसला लिया है वो अच्छा है मेरे ख्याल से। फैसला किया है क्योंकि मज़ीद लोग इतनी महंगाई नहीं बर्दाश्त करते, अगर ये पेट्रोल और भी महंगा हो जाता तो फिर इमरान खान के लिए तनकीद और ज़्यादा हो जाता, आवाम और महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया कि उसने पेट्रोलियम की जो समरी मुस्तरद किए।